हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेट नाइट शो के एक नए एपिसोड में, जहां हम और आप मिलकर डांटेज इन्फर्नो के बारे में बातें करेंगे। अब जिन्हें डांटे के बारे में नहीं पता, उन्हें मैं शॉर्ट में बता दूं कि डांटे 14th century के एक इटालियन पोएट थे और उनके लिटरेरी वर्क को इटालियन लैंग्वेज में ग्रेटेस्ट माना जाता है। डांटे ने डिवाइन कॉमेडी जैसी इपिक पोएम लिखी थी, जिसे लोग वर्ल्ड लिटरेचर में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क मानते हैं। डिवाइन कॉमेडी 3 parts में डिवाइडेड है, जिनके नाम है इन्फर्नो, पुर्गतोरियो एंड पाराडीजो। आज की वीडियो में हम बस इन्फर्नो वाले पार्ट पे बातें करेंगे, जिसमें 9 circles ऑफ हेल की डिपिक्शन है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो फ्यूचर में मैं डिवाइन कॉमेडी की बाकी 2 parts भी जरूर एक्सप्लेन करूंगा। नाउ बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, आई हैव एन इंपॉर्टेंट अपडेट रिगार्डिंग दिस चैनल। दोस्तों, हाल ही में YouTube ने हमारे चैनल पे मेंबरशिप ऑप्शन को इनेबल किया है, जिसके बारे में आप में से कई लोग ऑलरेडी जानते होंगे। हॉन्टिंग ट्यूब चैनल एक हॉरर जॉनर से रिलेटेड चैनल है, जहां से डिसेंट इनकम और इवन स्पॉन्सरशिप मिल पाना काफ़ी मुश्किल है। आप में से कई लोग अक्सर बोलते हैं कि मैं लेट नाइट शोज़ की ज़्यादा वीडियोज़ क्यों नहीं लाता, और इसका सिंपल रीज़न है कि लेट नाइट शोज़ वाली मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ डीमोनिटाइज होती है। लेकिन YouTube मेंबरशिप प्रोग्राम के जरिए आप व्यूअर्स मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे मैं हॉन्टिंग ट्यूब पे बिना मोनेटाइजेशन की चिंता किए डिफरेंट और काफ़ी रॉ वीडियोज़ ला सकूँ। यू आर द सोल एंड स्पिरिट ऑफ दिस चैनल, और इसी वजह से मैंने होने वाले मेंबर्स को HT स्पिरिट्स और HT सुपर स्पिरिट्स का नाम दिया है। अगर आप सब्सक्राइब बटन के बगल में दिख रहे ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको इस चैनल की HT स्पिरिट्स या फिर HT सुपर स्पिरिट्स बनने का मौका मिलेगा। HT स्पिरिट्स की मंथली इनकम है 59 rupees, जहां आपको एडिशनली मेरी एक्सक्लूसिव वीकली लाइव स्ट्रीम्स देखने को मिलेंगी, कुछ यूनिक इमोजीज और बैजेस मिलेंगे विच आर रियली कूल। बट इफ यू चूज टू ज्वाइन HT सुपर स्पिरिट्स विच कॉस्ट 159 per month, आपको स्पिरिट्स वाली सारी बेनिफिट्स तो मिलेंगी ही, और उसके अलावा 4 exclusive कम्युनिटी पोस्ट मिलेंगे पर मंथ, जहां मैं अपनी अपकमिंग वीडियोस की इन्फॉर्मेशन दूंगा। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, HT सुपर स्पिरिट्स को हर महीने मेरी एक बिहाइंड द सीन वीडियोस मिलेंगी, और सुपर स्पिरिट्स मेरी अगली वीडियो के टॉपिक्स को डिसाइड करने में भी हिस्सा लेंगे। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, तो आप हॉन्टिंग ट्यूब के स्पिरिट्स या फिर सुपर स्पिरिट्स बन सकते हैं। नाउ कीप इन माइंड कि जो लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें ज्वाइन करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, स्पेशली इफ़ यू आर स्टूडेंट, और चैनल पे उनके लिए भी हमेशा वीडियोस फ्री में आती ही रहेंगी। लेकिन ये छोटी मोटी बेनिफिट्स मैं उन लोगों को देना चाहता हूँ जो अफोर्ड कर सकते हैं और वो मेरे चैनल को ज्वाइन करके एक मेंबर बनना चाहते हैं। इससे मेरे चैनल को काफ़ी सपोर्ट होगा और मैं बिना चिंता के हर तरह की कंटेंट डाल पाऊंगा। आई होप कि आप सभी मेरे पॉइंट्स को समझ गए होंगे, एंड इफ यू विश यू कैन ज्वाइन माय चैनल एज अ मेंबर। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो दोस्तों, डिवाइन कॉमेडी पोएम को डांटे ने सन 1308 में लिखना शुरू किया था, और उन्हें इसे खत्म करने में तकरीबन 12 साल लग गए। इस पोएम की पहली पार्ट इन्फर्नो है, और इन्फर्नो एक इटालियन वर्ड है जिसका अर्थ है हेल। इन्फर्नो की कहानी सन 1300 के एक मॉन्टी थर्सडे नाइट को शुरू होती है, जहां डांटे खुद को डार्क वुड में खोया हुआ पाते हैं। डांटे की उम्र उस वक्त ठीक 35 साल थी, विच इज हाफ ऑफ 70, और ये बिब्लिकल रेफरेंस है क्योंकि बिब्लिकल ह्यूमन लाइफ स्पैन ठीक 70 साल होती है। एनीवेज, डांटे एक छोटे से माउंटेन को क्लाइंब करने की कोशिश करते हैं, जहां उनका रास्ता रोके 3 beasts खड़े थे। ये 3 beasts थे एक लेपर्ड, एक लायन और एक शी वुल्फ, और यहां ये तीनों किसी अलग अलग ह्यूमन सेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। लेपर्ड रिप्रेजेंट्स फ्रॉड एंड मैलिस, लायन रिप्रेजेंट्स वॉयलेंस एंड बेस्टियलिटी, एंड शी वुल्फ रिप्रेजेंट्स इनकॉन्टिनेंस। ये बीस्ट डांटे को एक लोअर प्लेस की तरफ पुश करते हैं, जहां वो एक रोमन पोएट वर्जिल से मिलते हैं। यहां से डांटे की अंडरवर्ल्ड की जर्नी शुरू होती है, और वर्जिल भी उन्हें गाइड करने के लिए उनके साथ थे। तो ये दोनों नरक के द्वार को पार करते हैं, और वहां डांटे को एक इंस्क्रिप्शन दिखती है विच रेड लस्किता ओगने सेपरांजा वॉयच इन त्रेंत्रे, अर्थात यहां आने के बाद किसी तरह की भी आशा या उम्मीद छोड़ दो।
अंदर जाते ही डांटे को कई लोगों की आत्माएं दिखती है जो कि चिल्ला रही थी और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था। इन आत्माओं का दोष ये था कि अपने जीवन काल में इन्होंने कभी भी कोई पक्ष नहीं लिया, बल्कि ये लोग हमेशा ही एकदम न्यूट्रल रहते थे। यही वजह है कि इनकी आत्माएं ना तो स्वर्ग में है ना ही नरक में, और डांटे इन सब को नंगा इधर उधर दौड़ते देख पाते हैं। अब दोस्तों, इन्फर्नो में कई छोटी छोटी चीजों की डिपिक्शन है जिसे मैं यहाँ वीडियो में पूरी तरह से कवर नहीं कर सकता, तो मैं डायरेक्टली 9 सर्कल्स ऑफ हेल पे फोकस करूंगा। ये 9 सर्कल्स ऑफ हेल कॉन्सेंट्रिक है, यानी कि हर एक सर्कल के बाद आने वाली सर्कल ज्यादा खतरनाक और कष्टदायक है। ये सर्कल्स पृथ्वी के बीचों बीच है, जिसके सेंटर में सैतान को बंदी बनाकर रखा गया है। तो पहली सर्कल का नाम है लिम्बो, और वर्जिल खुद इसी सर्कल में रिसाइड करते हैं। यहां उन लोगों को रखा गया है जो अपने जीवन काल में कभी भी बैप्टाइज्ड नहीं हुए हैं, एंड एसेंशियली ये लोग नॉन क्रिश्चियंस हैं। ये सर्कल एक इन्फीरियर फॉर्म ऑफ हेवन है, और यहाँ के लोग एक कासल में रहते हैं जिसमें 7 गेट्स है। ये 7 गेट्स 7 वर्च्यूज या फिर 7 डेडली सिंस को रिप्रेजेंट करते हैं, और इस सर्कल में डांटे हिस्ट्री के कई प्रोमिनेंट फिगर्स को देख पाते हैं, लाइक सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, जूलियस सीजर इत्यादि। यहाँ से डांटे और वर्जिल दूसरी सर्कल की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है लस्ट। दोस्तों, इस सर्कल से हेल की प्रॉपर पनिशमेंट शुरू होती है, और लस्ट वाले सर्कल में उन लोगों को रखा गया है जो अपने जीवन काल में हवस और वासना को प्राथमिकता देते थे। यहाँ लोगों को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड फोर्स से बार बार पुश और पुल किया जा रहा था, ताकि वो कभी भी खुद को स्टेबलाइज नहीं कर सके। इससे उन्हें कभी भी पीस या रेस्ट नहीं मिलेगी, और स्ट्रॉन्ग विंड रेस्टलेसनेस को ही सिंबलाइज करती है। इस सर्कल में भी डांटे कई जाने माने लोगों को देखते हैं, लाइक हेलेन ऑफ ट्रॉय, क्लियोपेट्रा इत्यादि। थर्ड सर्कल में डांटे को कई ग्लटन्स की आत्माएं दिखती है, और इसी वजह से वो समझ जाते हैं कि थर्ड सर्कल और कुछ नहीं बल्कि ग्लटनी है। दोस्तों, इस सर्कल में उन लोगों की आत्माओं को कैद किया गया था जो कि अपने जीवन काल में हमेशा ज्यादा से ज्यादा भोजन का भोग किया करते थे। इन लोगों ने वर्ल्डली प्लेजर्स वाली जीवन शैली को अपनाया था, जिस वजह से इनकी आत्माएं आज ग्लटनी वाले सर्कल में कैद है। यहाँ डांटे को एक वॉर्म मॉन्स्टर दिखता है जिसका नाम सेरेबेरस था, और सेरेबेरस ही यहाँ कैद आत्माओं को सजा दे रहा था। सजा के तौर पे सिनर्स को बर्फीले जमीन पे लिटाया गया था, और उनके ऊपर नेवर एंडिंग बर्फीली बारिश हो रही थी। ये बर्फीली जमीन पर्सनल डिग्रेडेशन को सिंबलाइज करती है, क्योंकि इस सर्कल के सिनर हमेशा दूसरों की परवाह किए बिना ज्यादा खाना खाते थे। डांटे यहाँ सियाको नामक इंसान से मिलते हैं जो कि पोप वगैरह से रिलेटेड कुछ प्रेडिक्शंस करते हैं। आगे बढ़ने पे डांटे उन लोगों की आत्माओं को देख पाते हैं जिन्हें उनके लालच के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था, और इससे उन्हें पता लगता है कि चौथी सर्कल ग्रीड है। ग्रीड वाले सर्कल में सिनर्स को 2 भाग में बांटा गया था। पहले भाग में वो लोग थे जो अपने जीवन काल में कई चीजों की पोजेशन रखे थे, और दूसरे भाग में वो लोग थे जो हमेशा बहुत ज्यादा खर्चा किया करते थे। सजा के तौर पे आत्माओं को यहाँ बहुत ही भारी वेट्स दी गई थी एज वेपन्स, जिसे उन्हें अपने सीने पे हमेशा ढोना होगा। इन दोनों ग्रुप्स को प्लूटो नाम का कैरेक्टर गार्ड कर रहा था, जो कि अंडरवर्ल्ड का एक एंशियंट ग्रीक रूलर था, और यहाँ सभी लोग अपनी पनिशमेंट्स वगैरह में इतने ज्यादा व्यस्त थे कि डांटे को किसी से भी बातें करने का मौका नहीं मिला। ग्रीड सर्कल में डांटे कई पोप्स और कार्डिनल्स की आत्माओं को भी देख पाते हैं। नाउ द 5th सर्कल वॉज एंगर, और डांटे यहाँ उन लोगों की आत्माओं को देख पाते हैं जो कि अपने लाइफ में बहुत गुस्सा करते थे और उनके अंदर बदले की भावना थी। इस सर्कल में एक ग्रीक रूलर जिसका नाम फिलेगस था, वो डांटे और वर्जिल को बोट पे स्टिक्स रिवर पार करवाता है, और रिवर के पानी में सिनर्स काइंड ऑफ डूब रहे थे। सिनर्स एक दूसरे से लड़ भी रहे थे, एंड दिस कॉन्स्टेंट फीलिंग ऑफ ड्राउनिंग वॉज देयर पनिशमेंट। इस सर्कल को क्रॉस करते वक्त डांटे फिलिप्पो अर्जेंटी नामक एक फ्लोरेंटाइन पॉलिटिशियन से भी मिलते हैं, जिसने डांटे की फ्लोरेंस वाली प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया था। यहाँ से डांटे 6th सर्कल ऑफ हेल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि था हेरसी। दोस्तों, हेरसी एक ऐसी बिलीफ और ओपिनियन को बोला जाता है जो कि किसी ऑर्थोडॉक्स रिलीजन के अगेंस्ट हो। यहाँ के सिनर को आग वाले टुम्ब में रखा गया था जो कि हमेशा ही जलती रहती थी। यहाँ डांटे एक फ्लोरेंटाइन कपल से बातें करते हैं जिनका नाम फेरिनाता और कैवलकांटे था। मैं यहाँ आपको इन दोनों की हिस्ट्री वगैरह बता सकता हूँ, लेकिन उससे ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, एंड आई डोंट थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट।
खैर डांटे यहाँ कई और पर्सनालिटीज़ को देखते हैं, लाइक होली रोमन एम्पायर फेडरिक टू, पोप एनेस्टासियस टू इत्यादि। आगे बढ़ने पे डांटे को सेवेंथ सर्कल ऑफ हेल दिखती है जिसका नाम था वॉयलेंस। दोस्तों इस सर्कल को तीन भाग में बांटा गया था और इसके पहले भाग में उन लोगों की आत्माएं थी जिन्होंने अपने जिंदगी में लोगों का कत्ल किया है या फिर इन जनरल वो लोगों को प्रताड़ित करते रहते थे। इस भाग में डांटे को अलेक्जेंडर द ग्रेट और गाई डी मॉन्टफोर्ट जैसे कई नोटेबल हिस्टोरिकल फिगर्स दिखते हैं। इन लोगों की आत्माओं को एक रिवर में डुबोया जा रहा था जिसमें बॉइलिंग ब्लड ऑफ फायर थी। सातवें सर्कल के दूसरे भाग में उन सिनर्स को कैद किया गया था जिन्होंने आत्महत्या करी थी। इन लोगों की आत्माएं एक पेड़ या फिर झाड़ियों में तब्दील हो गई थी जिन पे हर्पीज फीड कर रहे थे। यहाँ डांटे कुछ लैविश लाइफस्टाइल वाले लोगों की आत्माओं को भी देख पाते हैं जिनके शरीर को कुत्ते नोच रहे थे। तीसरे भाग में डांटे ऐसे लोगों की आत्माओं को देखते हैं जिन्होंने गॉड के अगेंस्ट या फिर गॉड के नाम पे वॉयलेंस किया है और इन सिनर्स को एक बर्निंग डेजर्ट में रखा गया था जहाँ आसमान से जलती हुई बारिश हो रही थी। यहां से निकलने के बाद डांटे को आठवीं सर्कल दिखती है जिसका नाम था फ्रॉड। इस सर्कल तक पहुंचने के लिए डांटे और वर्जिल एक गेरियन नामक क्रीचर पर बैठ के आते हैं जो कि एक फ्लाइंग मॉन्स्टर था और गेरियन के नीचे बहुत ही फ्रॉडलेंट थी। इस सर्कल ऑफ हेल में 10 ईविल डिचेस या फिर गड्ढे थे जिनमें अलग अलग तरह के फ्रॉडलेंट्स को रखा गया था। इन गड्ढों के बीच में ब्रिजेस थी जिससे सिनर्स को ट्रांसफर किया जाता था या फिर विजिटर्स इन ब्रिजेस के थ्रू ही इन सर्कल्स को देख पाते थे। पहले गड्ढे में चाटू लोग या फिर सेड्यूसर्स को रखा गया था जो कि अपने काम के वक्त तो बड़े चापलूस होते हैं लेकिन समय आने पे वो दूसरों की कोई मदद नहीं करते। दूसरे गड्ढे में झूठी तारीफ करने वाले लोग थे। तीसरे में रिलीजियस चीज़ों को खरीदने और बेचने वाले लोग थे। चौथे में नकली जादूगर या फिर झूठी भविष्य बताने वाले लोग। पांचवें में करप्ट पॉलिटिशियंस और बाकी गड्ढों में हिपोक्रेट्स, थीव्स, इविल एडवाइजर्स या फिर काउंटरफीट्स थे। इन ब्रिजेस को पार करने के बाद डांटे हेल की और आखिरी सर्कल में पहुंचते हैं जिसका नाम था ट्रेचरी। दोस्तों ट्रेचरी शब्द का अर्थ होता है किसी के ट्रस्ट या विश्वास को तोड़ना और इस सर्कल में वही सिनर्स थे जिन्होंने अपने जीवन काल में विश्वासघात किया है। नाउ ऑल्दो इस सर्कल के सारे सिनर्स एक फ्रोजन आइसी लेक में कैद थे, इस सर्कल को चार राउंड्स में डिवाइड किया गया है जहां ज्यादा सिन कमिट करने वाले लोग आइसी लेक में ज्यादा अंदर फंसे थे। राउंड वन का नाम है कायना, विच इज नेम्ड आफ्टर द मैन नेम्ड कायन, क्योंकि कायन ने अपने भाई एबल को मार डाला था। राउंड टू का नाम है एंटेनोरा, विच इज नेम्ड आफ्टर एंथेनोर फ्रॉम ट्रॉय, जो कि प्राइम का काउंसलर था ड्यूरिंग ट्रोजन वॉर। राउंड थ्री का नाम है टॉलोमिया, विच इज नेम्ड आफ्टर टॉलेमी, और राउंड फोर का नाम है जुडेका, विच इज नेम्ड आफ्टर जुडास, जिसने जीसस को एक किस के थ्रू बिट्रे किया था। तो दोस्तों इस जगह पे डांटे और वर्जिल की हेल वाली जर्नी खत्म होती है और यहां से पोएम का दूसरा भाग शुरू होता है जिसका नाम है पुर्गटोरियो। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आती है तो मैं जल्द ही डिवाइन कॉमेडी की बाकी दो पार्ट्स की एक्सप्लेनेशन भी जरूर लाऊंगा जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। अब यहां इस वीडियो में मैंने कई चीजों को डिटेल में कवर नहीं किया है क्योंकि अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे लिटरली एक डॉक्यूमेंट्री टाइप वीडियो बनानी पड़ेगी जो कि एक फिल्म जितनी लंबी होगी। बट आई हैव ट्राइड कि मैं सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को कवर करूं। अगर आपको इन डिटेल्स के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं क्योंकि यूट्यूब कमेंट्स में सभी को रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए एंड वंस अगेन इफ यू हॉन्टिंग ट्यूबर्स आर इंटरेस्टेड आप मेरे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द ज्वाइन बटन जिससे आप HT स्पिरिट्स और HT सुपर स्पिरिट्स ग्रुप में शामिल होंगे। जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।